आप देख रहे हैं कि सेवन सिस्टर्स को इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक अरुण नाम का लड़का है। अरुण ने क्या देखा? एक सांप को देखता, वो एक क्या देख रहा है, वो एक नाग को देख रहा है। आप नाग को देख पा रहे होंगे, नाग के पास में क्या है? मड़ी है, और इस मड़ी के लिए नाग को मींज दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो है नाग को मींज दे रहा है पकड़ के, ठीक है। नाग को मींजता है तो नाग जो है तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी तीन पार्ट में वो टूट जाता है। तो ये नाग जो है तीन पार्ट में टूट गया। नाग जब टूट जाता है तो उसको मेढक खा लेता है, फिर वो बोलता है औसम। नाग क्या बोलता है? मेढक। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 28 स्टेट्स के नेम और 8 यूटी यानी यूनियन टेरेटरीज के नेम को सीखेंगे। आपको इसमें मैप के माध्यम से बताऊंगा और स्टेट के नेम और यूटी के नेम भी लर्न करवाऊंगा, और वो भी ट्रिक के द्वारा। तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे ट्रिक यूज किया गया है। तो आपको अगले 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर 28 स्टेट और 8 यूटीज के नेम हम लर्न करवाने वाले हैं। वो भी मैप में कौन सा कहाँ पर पड़ेगा उसके साथ में आपको पता चल जाएगा कि कोस्टल प्लेन क्या होता है, नॉर्थन माउंटेन में पार्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, नॉर्थन प्लेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, और प्लेट्यू में कौन कौन से पार्ट होंगे, डिजर्ट एरिया कहाँ पर है। ये चीज़ें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे केवल 20 मिनट में। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और भी लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले हम लोग नॉर्थन माउंटेन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा, उसके बाद में आगे इसको टेक से आ जाएंगे। सबसे ऊपर के पार्ट में आएगा हमारा जो है लद्दाख आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, और आगे यहाँ से आएंगे तो ये आपका सिक्किम आ जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो आपको नागालैंड मिल जाएगा, नागालैंड के बाद आपको मणिपुर मिल जाएगा, मणिपुर के बाद आपको मिजोरम मिल जाएगा, मिजोरम के बाद आपको त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में आपको मेघालय मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट होंगे यानी यहाँ पर जिसको हम लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लाइन से जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये सब नॉर्थन माउंटेन के पार्ट रहेंगे, ठीक है। कौन से पार्ट रहेंगे? नॉर्थन माउंटेन के। तो आप एक बार कैसे मिला लीजिए, आपको लद्दाख मिलेगा, जम्मू कश्मीर मिलेगा, हिमाचल प्रदेश मिलेगा, उत्तराखंड मिल जाएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। याद रहे कि बीच में ये जो असम वाला पार्ट है ये इसमें शामिल नहीं है, असम वाला पार्ट शामिल नहीं है इधर, ठीक है। तो ये तो हो गया, यानी इतने स्टेट आते हैं, बस इनका नाम याद कैसे रखेंगे इसके लिए हम लोगों को वर्क करना है, ठीक है। तो चलिए अब आपको ट्रिक बताते हैं कि नाम को याद कैसे रखना है। नाम को याद रखने के लिए आप सबसे पहले कीजिए कि ये लद्दाख है, सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा होगा? नॉर्थन में लद्दाख रहेगा, और जम्मू कश्मीर, ये दो पार्ट आप याद रखिए, ठीक है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक साथ याद रखिए। हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, जो हिम है उसका खंड हो गया है तो क्या बन गया? उत्तराखंड। तो हिम का हिम जो है, हिम से हिमाचल और खंड हो गया मतलब उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ये फोर स्टेट, फोर पार्ट्स हो गए आपके, जिसमें स्टेट दो हैं और दो यूटीज हैं, इसमें यूनियन टेरेटरीज हैं, ठीक है। आगे आपको याद रखना कि ये सिक्किम, सिक्किम का मतलब होगा एक सिक्का है, और सिक्का लेकर एक अरुण नाम का लड़का भाग रहा है। किस नाम का लड़का है ये? अरुण। आप आगे वीडियो में देखे भी हैं कि अरुण नाम का लड़का सिक्का लेकर भाग रहा था। सिक्के के बाद उसको क्या दिखा? एक नाग दिखा। क्या दिखा? एक नाग दिखा उसको, यहाँ पर एक नाग दिखा। नाग के पास क्या था? नाग के पास में मणि था, नाग के पास में मणि था, और मणि के लिए लोगों ने उसको क्या कर दिया? पकड़ के मींज दिया। मींज दिया मतलब मिजोरम बन गया, और मींजने के बाद में जो सांप की बॉडी थी वह तीन पार्ट में ब्रेक हो गई, ठीक है। तो तीन पार्ट में ब्रेक होने का मतलब त्रिपुरा, और उसके बाद में उसकी बॉडी को कौन खा गया? मेघा खा गया, मेढक खा गया उसकी बॉडी को, ठीक है। तो क्या बन गया? मेघालय, ठीक है। क्या बन गया? मेघालय। तो आपको फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार जल्दी से। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले आपका हो गया लद्दाख, एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको फिर से रिवाइज करवाऊंगा इसको, ठीक है। सबसे ऊपर वाले पार्ट में आपको लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिम है यानी हिमाचल है, हिम से हिम का खंड हो गया तो यानी उत्तराखंड बन गया आपका ये। उत्तराखंड के बाद में आपको आना है सिक्किम के पास में, तो सिक्का है, सिक्का लेकर कौन भाग रहा है? अरुण भाग रहा है। अरुण ने क्या देखा? नाग।
नाग को क्या किया, नाग के पास थी मड़ी, मड़ी के लिए उसको मीज दिया गया, मीजने के बाद उसके तीन पार्ट हो गए त्रिपुरा, त्रिपुरा जब तीन पार्ट हो गया तो उसकी बॉडी को मेढक खा गया यानी निगल गया। तो ये आप कहानी याद रखिएगा कि अरुण सिक्का, सिक्का लेकर अरुण भाग रहा था, अरुण ने नाम देखा, नाग के पास मड़ी, मड़ी के लिए मीजते, मीज देने बाद तीन पार्ट में डिवाइड हो गया और उसकी बॉडी को मेढक खा गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्थन माउंटेन वाले पार्ट इतने कवर हो गए। अब इसी में अगर नॉर्थन माउंटेन वाले ही पार्ट में हम लोग असम को भी शामिल कर लेते हैं, इतना सा पार्ट आपको मैं शामिल करवा के बताता हूँ कि इतना सा पार्ट अगर शामिल करते हैं ये, तो यहाँ पर टोटल 7 स्टेट है। कितने स्टेट हैं, 7 स्टेट्स हैं इसमें। ठीक है, 7 स्टेट्स, और इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर में कौन कौन से रहेंगे ये आपको याद रखना है। याद रहे कि इसमें सिक्किम शामिल नहीं है, इस 7 सिस्टर में असम शामिल हो जाता है जो कि नॉर्थन माउंटेन में नहीं था, ये नॉर्थन प्लेन का पार्ट होता है असम। तो क्या याद रखना है कि वही अरुणाचल में यानी अरुण जो है नाग देखता है, और नाग देखने के बाद उसके पास मड़ी रहती है, नाग के पास उसको मीज दिया जाता है, मीजने के बाद उसके तीन पार्ट हो जाते हैं, तीन पार्ट के बाद मेढक खा जाता है। अच्छा, अभी तक क्या होता था कि मेढक को नाग खा जाता था, यहाँ पर क्या हो गया, नाग को कौन खा लिया है, मेढक। तो खाने के बाद मेढक क्या बोलता है, ओसम, मजा आ गया। ठीक है, क्या बोलता है, ओसम, मजा आ गया यानी असम। तो ये 7 सिस्टर के नाम आपको आई थिंक याद हो गए होंगे, एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा तो 7 सिस्टर के नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अरुण की ये कहानी याद रखिए, अरुण ने नाग देखा, नाग के पास मरी, मरी के लिए मीज दिया गया, और मीजने के बाद उसके तीन पार्ट हो गए, तीन पार्ट के बाद मेढक खाया, मेढक ने बोला ओसम। अगर मेढक ने ओसम बोला तो 7 सिस्टर आपने बोल दिया, अगर असम नहीं बोलते हैं, पीछे की कहानी में सिक्किम ऐड करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर नॉर्थन माउंटेन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको नॉर्थन माउंटेन लर्न हो गया। आगे हम लोग इसमें बात करते हैं कि कोस्टल प्लेन के बारे में। तो कोस्टल प्लेन से पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें इसी के नीचे वाले पार्ट नहीं, नॉर्थन प्लेन वाले पार्ट कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो नॉर्थन प्लेन में पहले मैं आपको स्टेट दिखा देता हूँ। नॉर्थन प्लेन पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बीच में न्यू दिल्ली आता है इसको भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर ये जो पिंक कलर का पार्ट दिख रहा है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल हो गया, और इसमें जो है इधर की तरफ जो पार्ट है वो असम हो गया। तो यहाँ से मैं एक सीधी लाइन बना देता हूँ, ये लाइन जो आपको दिख रही है ये जहां जहां से होकर जा रही है वो पार्ट क्या कहलाएंगे, नॉर्थन प्लेन कहलाएंगे। ठीक है, तो नॉर्थन प्लेन में स्टेट में फिर से बोलता हूँ, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, और असम है। कभी कभी कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का भी बताया जाता है, और झारखंड के भी कुछ पार्ट का नाम बताया जाता है। बट अभी आपको याद रखना है कि नॉर्थन प्लेन में कौन कौन से आएंगे, तो पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और बिहार, वेस्ट बंगाल, और असम। अब इसको याद कैसे करेंगे आप, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हरि को बुलाते हैं। कैसे बुलाएंगे, पंजे से हरि को बुलाया जाता है। कैसे बुलाया जाएगा, पंजे से हरि को बुलाया जाता है। तो पंजाब और हरि को बुलाया जाए हरियाणा, तो हरी कहाँ पर आएगा, सेंटर में आ जाता है। सेंटर में बैठ के देखेगा भाई कहाँ के लोग बुला रहे हैं। ठीक है, तो वो देखेगा कि उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग बुला रहे हैं। तो जब हरी आ जाता है तो लोग उसको बेस्ट तरीके से उनका स्वागत करते हैं। हरी का स्वागत कैसे करते हैं, बेस्ट तरीके से यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, और जब हरी का स्वागत होता है अच्छे से तो हरी भी क्या बोलते हैं, औसम। जैसे मेढक ने खाया था ना अभी, तो वो भी क्या बोला था, औसम। तो हरी ने भी स्वागत करी, हरी ने उसको अच्छे से खातिरदारी देखा अपना, तो उन्होंने बोला औसम। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये नॉर्थन प्लेन भी लर्न हो गए होंगे, एक बार आप साथ में हमारे बोलिए तो आपको लर्न हो जाएगा। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, असम हो गया, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड झारखंड आल्सो। ठीक है, तो ये पार्ट हो गए नॉर्थन प्लेन के बारे में। ये आपको कहानी याद होनी चाहिए कि हरी को कैसे बुलाया जाता है, पंजे से हरी को बुलाया जाता है, हरी सेंटर में आएगा, सेंटर के बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग देखेंगे उनको, और वहां पर बेस्ट स्वागत होगा उनका, फिर वो लास्ट में बोलेंगे औसम। ठीक है, अब आपको बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नॉर्थन प्लेन के बारे में, सॉरी कोस्टल प्लेन क्या होगा, कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन आपको मैं पहले बता दूं कि कोस्टल होता क्या है। तो कोस्टल ऐसा पार्ट होता है जिसका एक पार्ट सी से लगा हुआ हो, एक पार्ट किससे लगा हो, सी से यानी वाटर बॉडीज से लगा हुआ पार्ट रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल। तो अपने कितने स्टेट ऐसे हैं जो कोस्टल है, यानी मतलब जिसका एक पार्ट सी से लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है, सी से लगा हुआ यानी समुद्र से जुड़ा हुआ, तो उनको हम क्या कहते हैं, कोस्टल कहते हैं। यानी ये जो हमने अभी बना दिया ना लाइन जो बना दिया, यानी गुजरात से लेकर ये पूरा ये पार्ट, नीचे नीचे जितने भी स्टेट हैं, ये वेस्ट बंगाल तक,
ये सभी क्या कहलाएंगे, कोस्टल प्लेन में आते हैं। ठीक है, किसमें आएंगे, कोस्टल प्लेन में आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कोस्टल प्लेन में टोटल आपके कितने स्टेट हैं, तो हम कहेंगे हमारे टोटल 9 स्टेट जो है शामिल हैं कोस्टल प्लेन में। ठीक है, कौन कौन से हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये टोटल 9 स्टेट हमारे शामिल हैं किसमें, कोस्टल प्लेन में। ठीक है, अब क्योंकि अगर हम लोग मैप की बात करते हैं, मैप में ऐसे देखते हैं तो इधर ईस्ट रहता है और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ और नीचे जो है साउथ हो जाता है। तो इधर वाले पार्ट जो रहते हैं तमिलनाडु से लेकर इधर वाला पार्ट जो ये लाइन हम बना रहे हैं, ठीक, इधर वाले पार्ट यानी वेस्ट बंगाल तक, इस वाले पार्ट को ईस्टर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईस्टर्न कहा जाता है। और जो इधर की तरफ पीछे की तरफ यानी गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला तक, ये कहलाते हैं वेस्टर्न। क्या कहलाते हैं, वेस्टर्न कहलाते हैं। तो नॉर्थन प्लेन जो कोस्टल प्लेन वाले एरिया हैं उसको ईस्टर्न और वेस्टर्न दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बट आपसे अगर कोई पूछता है कि बताइए टोटल कितने स्टेट हैं जो कि कोस्टल प्लेन में आते हैं, तो आप बताएंगे 9, उनके नाम आप बताएंगे गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके यानी वेस्टर्न को एक साथ आपको याद करवा देते हैं और ईस्टर्न को एक साथ। ठीक है, तो ईस्टर्न वेस्टर्न में आपको टोटल 4 स्टेट मिलेंगे ना, 5 स्टेट मिल जाते हैं। पहला गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया और केरला हो गया। टोटल ये आपके जो है 5 स्टेट मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि क्या कहलाएंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाएंगे। तो इनका नाम कैसे याद रखेंगे, चलो नाम के लिए ट्रिक बताते हैं। ट्रिक आप चाहे तो कॉपी में लिख लीजिए या बार एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो ऐसे भी आपको लर्न हो जाएगी, इतनी खानी ट्रिक है। ठीक है, तो गुजरात से एक महात्मा जी आते हैं। कौन आता है, गुजरात से एक महात्मा जी आते हैं। महात्मा जी मतलब महात्मा गांधी जी गुजरात के थे। ठीक है, तो गुजरात से एक महात्मा जी आते हैं। जब महात्मा जी आते हैं तो लोग उनसे बोलते हैं गो, जाओ। ठीक है, उनसे क्या बोलते हैं, जाओ गो गो। तो जब किसी को गो करने के लिए बोलो भी जाओ तो क्या करने लगे, महात्मा जी ने नाटक करना स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया, नाटक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, महात्मा जी ने क्या कर दिया, नाटक स्टार्ट कर दिया। तो जब गो बोला गया तो नाटक कर दिया। तो जब नाटक करने लगे तो लोगों ने उनसे बोला लो केला खा लो। अच्छा, ठीक है, क्या बोला, लो केला खा लो। ठीक है, तो फिर से मैं बताता हूँ कहानी आपको फिर से। कौन आया, गुजरात से एक महात्मा जी आए, गुजरात से एक महात्मा जी आए। महात्मा जी को लोगों ने बोला गो गो, तो महात्मा जी ने क्या कर दिया, नाटक नाटक किया। तो लोगों ने बोला लो केला खा लो। ठीक है, तो यानी गुजरात गो से गुजरात से गुजरा और महात्मा से महाराष्ट्र और गो मतलब गोवा, कर्नाटक मतलब कर्नाटक और केला मतलब केरला। ठीक है, केला मतलब केरला हो गया। तो ये आपके हो गए वेस्टर्न प्लेन। अब बात करते हैं हम लोग ईस्टर्न में। तो ईस्टर्न में पहले स्टेट देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट शामिल हैं। जैसे यहाँ पर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होगा, ट्रिक क्या होगा, एक तमिल के लोग क्या है ना, महात्मा जी तमिल पहुंचे होंगे, तो तमिल के लोग कैसे हैं, क्या हुआ, तमिल में जब आए तो तमिल में आ गई आंधी। क्या आ गई, आंधी आ गई। तमिल में क्या आ गई, आंधी आ गई और आंधी से लोग उड़ गए। क्या हुआ, आंधी से लोग उड़ गए। तो जब लोग उड़ने लगे तो लोगों ने जो उड़ते हुए बोला बेस्ट, क्या बोला, बेस्ट, मजा आ गया। ठीक, बेस्ट तरीके से किसके स्वागत किए गए थे, भगवान के, हरि को, हरि के स्वागत बेस्ट तरीके से किया गया था वेस्टर्न में। ठीक है, तो क्या हो गया, तमिल में आ गई आंधी और आंधी से लोग गए उड़ और उड़ने के बाद लोगों ने बोला बेस्ट। तो तमिल में आधी, आधी का मतलब आंध्र प्रदेश, उड़ गए मतलब उड़ीसा और वेस्ट बोले मतलब वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये प्लेन वाले पार्ट जो है वो याद हो गए होंगे जो कि कोस्टल प्लेन होते हैं। क्या होते हैं, कोस्टल प्लेन होते हैं। तो उनके पार्ट याद हो गए, एक बार हमारे साथ में फिर से बोलिए आप। ठीक है, ये वेस्टर्न से शुरू करते हैं, गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब कुछ पार्ट बीच में छूट जा रहे हैं ना, तो उनकी भी बातें कर लेते हैं हम लोग। जिसमें छूटा हुआ पार्ट जो हमारा है उसमें आपका बीच में सबसे बीच वाला पार्ट छूट जा रहा है, तो ये आप अलग से याद रख लीजिए इसको। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आपका मध्य प्रदेश छूट जा रहा है, उसके बाद में इधर देखिए गुजरात वाला पार्ट जो कि आपका डिजर्ट एरिया में आता है। ठीक है, डिजर्ट एरिया में राजस्थान को याद रखिए, मध्य प्रदेश बीच में है सेंटर में, तो ये छूट गया था आपका। और झारखंड छूट गया है, छत्तीसगढ़ छूट गया और साथ में इसके तेलंगाना छूट गया। तो ये आपको इतने स्टेट याद रखिए, इसको तो आप जो है मानखंड वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान को याद रखिए कि ये डिजर्ट एरिया होता है। कैसा एरिया में चला जाएगा, ये
डिजर्ट एरिया में चला गया और बचे हुए जो है फोर पार्ट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, यही थोड़े से, ठीक है, जिनको आप ध्यान में रखिए। तो आपका पहला पार्ट क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और तेलंगाना हो गया। क्या आपको एक चीज पता है कि आपके कुछ यूटीज के नेम और 28 स्टेट्स के नेम लर्न हो चुके हैं, ठीक है। तो चलो एक बार हमारे साथ में फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग इसमें देखेंगे कि यूटीज कौन कौन से हैं, टोटल 8 8 कहाँ है और कौन सा लोकेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थन माउंटेन से रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। क्या होगा सबसे ऊपर, साथ में बोलिएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चार ऊपर हो गए। हमने बताया था कि हिमाचल को ऐसे याद रखते हैं, हिम है यानी बर्फ है और गिर के क्या हो गया उसके खंड हो गए, तो उत्तराखंड हो गया। वहां से क्या मिला, एक सिक्का मिला, सिक्का लेकर अरुण भागने लगा। अरुण ने क्या देखा, नाक, नाक के पास थी मणि, मणि के चक्कर में नाक को मींच दिए, मींचने के बाद क्या हुआ, तीन पार्ट हो गया, तीन पार्ट के बाद में मेंढक ने उसको खा लिया और ये हो गया नाथन माउंटेन, ठीक है। सिक्के से सिक्किम, अरुण से अरुणाचल, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर और मीच दिया मतलब मिजोरम, तीन पार्ट का मतलब त्रिपुरा और मेघा मतलब मेघालय। अगर इसी को यहाँ से ब्रेक कर दिया जाए, इतना पार्ट अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है जिसमें असम शामिल है। याद रहे आपको कि नॉर्थन माउंटेन पार्ट में असम शामिल नहीं होता है, सेवन सिस्टर में असम शामिल है, ठीक है। प्लेन में देखते हैं, प्लेन का रिविजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे ऊपर कौन सा है, पंजे से बुलाएंगे, किससे बुलाएंगे, पंजे से, पंजे से पंजाब, और हरी को बुलाते हैं यानी हरियाणा, हरी आएंगे सेंटर में यानी दिल्ली में, और वहां से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बुला रहा है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार आ गया, उसके यानी उनका बेस्ट तरीके से स्वागत किया जाता है यानी वेस्ट बंगाल, और लोग वो हरी बोलते हैं औसा, ठीक है। मेढक ने सांप को काफी क्या बोला था, असम यानी आसाम, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा नॉर्थन प्लेन, ठीक। अब कोस्टल प्लेन वाले पार्ट में जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात से आए महात्मा जी, महात्मा जी को बोला गया गोवा के नाम से, गो के नाम से उन्होंने नाटक शुरू किया, नाटक के बाद लोगों ने उनको केला खिला दिया, केला खा के महाराज जी तमिलनाडु पहुंचे, तमिलनाडु में क्या आई थी आंधी, आंधी से महाराज जी उड़ गए और फिर बोले असम, बेस्ट, क्या बोले, बेस्ट, ठीक है। तो ये आपको प्लेन याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कहानी याद रखिएगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। एक्स्ट्रा इसमें याद रखना है कि जो डिजर्ट एरिया गुजरात होता है, बीच में फोर स्टेट छूट गए हैं आपको, पहला स्टेट मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा है तेलंगाना, ये चार स्टेट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने 28 स्टेट्स के नाम आपको बता दिया। एक बार वीडियो को आप फिर से देखिएगा तो आपको 28 स्टेट्स के नेम ठीक से लर्न हो जाएंगे, वह भी मैप में कौन सा कहाँ पर है, कौन सा क्या प्लेन कहलाता है, इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। अगर आप छोटे बच्चे हैं, आपके बड़े भाई को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उनको दिखाइए। अगर आप बड़े हैं, आपको आता है, आपके छोटे भाई को नहीं आता, तो उसको भी दिखाइए, वह भी सीखेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें यूनियन टेरेटरीज के बारे में, ठीक, यानी यूटीज के बारे में। तो टोटल यूटीज की संख्या कितनी है, 8 संख्या है, कितनी है, 8। देखते हैं पहला कौन है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर चंडीगढ़ है, कहाँ पर है, पंजाब के बाद में, यानी पंजाब का कैपिटल भी यही है, तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से नीचे आप आएंगे तो आपको आ जाएगा ये दिल्ली, क्या आ जाएगा, दिल्ली। तो इस तरीके से आप देखिए कि दो आपको नॉर्थन माउंटेन में यूटी मिल जाएंगे और दो आपको प्लेन में यूटी मिल गई, कहाँ पर मिल गई, प्लेन में, तो चार हो गया। एक यूटी यहाँ पर है यानी दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये मिलाकर एक यूटी कर दिया गया इनको, तो एक यूटी आपका यहाँ पर पड़ता है और दूसरा यूटी आपका यहाँ पर पड़ेगा पुदुचेरी यानी तमिलनाडु के पास में, एक कहाँ पड़ा, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, और एक यहाँ जो है तमिलनाडु के पास पड़ेगा पुदुचेरी। तो ये तो दोनों बॉर्डर पे हो गए, दो समुद्र में है, एक लक्षद्वीप है और दूसरा यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो ये दो आइलैंड भी हमारे पास है। तो कोई पूछेगा बताइए कितने आइलैंड है, तो बोलेंगे दो आइलैंड है, कौन सा, एक लक्षद्वीप है और दूसरा जो है अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है। ये दोनों आइलैंड है हमारे पास में और ये दोनों यूटी भी है, ठीक है। तो अपने इंडिया के पास दो ही आइलैंड है, एक अंडमान लक्षद्वीप है, दूसरा अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो ये टोटल 28 स्टेट्स और 8 UTs के नाम हमने आपको बता दिया। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने नेबरिंग कंट्री के साथ में, और इसमें तब तक आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, दूसरी वीडियो में हम लोग नेबरिंग कंट्री पढ़ेंगे और साथ में ये देखेंगे कि कौन सी बाउंड्री कितना ज़्यादा शेयर होता है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके कैपिटल के नेम कैसे हैं। तो आई थिंक आपको 28 स्टेट्स के नेम
और 8 UTs के नियम यानी यूनियन टेरिटरीज के नियम आपको लर्न हो चुके होंगे। अगर आप बड़े बच्चे देख रहे थे वीडियो तो अपने छोटे भाई बहन को रिकमेंड कीजिए वीडियो ताकि वो भी देखें और 28 स्टेट्स के नियम और 8 UT के नियम लर्न कर पाएं। ठीक है, अगर आप छोटे बच्चे हैं आप अपने बड़े भाई बहन से पूछिए कि आपको यूटीज नेम लर्न है, 28 स्टेट्स के नाम आप मैप में हमको बता सकते हैं या नहीं, तो अगर वो बता लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता पाते तो उनको भी हमारी वीडियो रिकमेंड कीजिए जिससे वो भी सीख पाएंगे। एक दिन हम लेकर आएंगे आपको मैप भरने के लिए, अभी आप स्टेट नेम लर्न कर लीजिए। अगली वीडियो में हम लोग नेबरिंग कंट्री की बात करेंगे और फिर इसके बाद में हम लोग लेकर आएंगे मैप को भरने के लिए, यानी कौन सा स्टेट कहाँ से आपको पूछा जाएगा और आप उसको भर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए।